गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। और मुझे पता है कि अगर आपने थंबनेल देख लिया और थंबनेल देख करके ही आप आए हो, टाइटल देख के आए हो, तो निश्चित है कि आप इसमें जिज्ञासु हो। देखिए, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो संगीत में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आगे बढ़ करके संगीत शास्त्र की गहन अध्ययन करना चाहते हैं। जिन बच्चों का अभी बीपीएससी टीजीटी और पीजीटी में सिलेक्शन हुआ है, पीजीटी में सिलेक्शन हुआ है वो बच्चे, और जो बीपीएससी की एस्टेट की या फिर बीपीएससी जो अभी एग्जाम आ रहा है टीआर 3.0 या फिर आने वाला है टीआर 4.0, ये दोनों एग्जाम अभी आने वाले हैं, तो इनकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मेरे पास, क्वेरी आती है, सर कौन सी बुक्स पढ़ें, बुक्स का नाम बताएं, बुक्स सजेस्ट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, आप ल्यूमिनस बुक्स इंडिया ऑफ वाराणसी, ये वाली आप बुक्स पे जा सकते हैं, और इनका मैंने यहाँ पर मेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर दोनों दे रखे। ये जो मैं आपको बुक्स बताने जा रहा हूँ, ये आपकी बहुत काम आने वाली हैं, इनसे आप संपर्क करके इनमें से कोई भी बुक्स ले सकते हैं। मेरा नाम बता दीजिएगा, चैनल का नाम बता दीजिएगा, स्क्रीनशॉट अगर भेज देंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, देखिए अभी इनकी एक बुक्स ये आई है और ये यूजीसी के अनुसार बहुत ही बढ़िया है, संगीत एवं पखावज वादक, संगीत एवं पखावज वादक पंडित भीमसेन सरल जी की ये बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। और उसके साथ ही मैं बताऊं, जो इतनी इजी, यानी कि मुझे नहीं लगता कि इतनी सरल भाषा हो सकती है, नेट संगीत, नेट संगीत बुक जो है, संगीत मांगीले भी अच्छी बुक है, लेकिन ये बुक इससे बढ़िया, ये देखिए संगीत, नेट संगीत बुक तेज सिंह टांग जी की है, पेपर पैक में है और बहुत रीजनेबल रेट में है। इसके अंदर सारे टॉपिक इतने बढ़िया से, इतने सरल तरीके से इन्होंने बताया है, जो कि आपको बस पढ़ने मात्र से ही समझ में आ जाएंगे। और ये जो है ना, तबला और संगीत में पखावज, तो जो बच्चे अवनद वाद्य वाले हैं, जो अवनद वाद्य वाले बच्चे हैं, या फिर जिन बच्चों को अपना ताल क्षेत्र या यूं कहें कि अवनद से संबंधित कम जानकारी है, वो बच्चे ये वाली बुक ले सकते हैं, उनको अगर यहाँ से लेना है। और अनंत साक्षात्कार, तबला एवं संगतकारों के कलाकार, बहुत सारे बच्चे जैसे जो नेट जार की तैयारी कर रहे हैं और वो किससे हैं, परक्यूशन से हैं, तो परक्यूशन वाले जो बच्चे हैं, अवनद वाद्य वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों को कैसे तैयारी करनी चाहिए, या उनके लिए बुक्स कहाँ से आए, बुक्स अधिकतर 90% मैं भी उनमें से हूँ, 90% जो पढ़ाने वाले हैं, एजुकेटर हैं, वो सभी के आप किससे पढ़ा रहे हैं, वो आपको संगीत यानी गायन और साथ में ही वादन, ये दोनों पढ़ा रहे हैं, लेकिन अवनद वाद्य वाला चैप्टर जो है कुछ एक ही पढ़ा रहे हैं, जैसे अनीस सर पढ़ा रहे हैं, और का तो मुझे जानकारी नहीं है। तो ये जो है, जिन बच्चों को केवल कि सर हम तो हमारी वैसे तैयारी करना चाहते हो, तो इसमें जैसे तबला संगतों कलाकारों के बारे में बहुत अच्छे से दे रखा है अनंत साक्षात्कार, तो ये भी आप बुक्स ले सकते हैं। और उसके साथ संगीत सुबोध संगीत शास्त्र आप सभी जानते हैं, तेज सिंह टांग जी के नाम से जितनी बुक है, बहुत ही गजब की बुक है, बहुत ही शानदार बुक है, ये भी आप ले सकते हैं। और ये पेपर पैक में लेंगे तो आपको 395 मिलेगी, और हार्ड कॉपी में, हार्ड बैक में लेंगे तो ये आपको 750 की मिलेगी। तो मुझे जहाँ तक है कि आपका जैसा बजट है, बाकी ये ज़्यादा ठीक है पेपर पैक वाली, मैं इसके लिए सजेस्ट इसलिए करता हूँ कि ये कैरी करने में थोड़ा ईजी रहता है, कैरी करने में इजी रहता है, और हार्ड कॉपी वाली थोड़ी बड़ी होती है, तो आपको जैसा आपका वो करें। दूसरा, संगीत सुबोध शास्त्र पार्ट टू, ये भी आपकी 395 में, और ये इसके जो है, ये दोनों ही बहुत ही शानदार बुक्स है। इन बुक्स के अलग अलग रिव्यू भी मैं आप लोगों को दूंगा, तो वो भी आपको मैंने ऊपर स्क्रीन शॉट इनके कॉन्टैक्ट नंबर दिखा दिए, यहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर यहाँ पर आपको फ्लैश हो रहे होंगे, अगर आप इनसे यहाँ पर आप व्हाट्सअप करके भी या इनको कॉल करके भी कर सकते हैं, मेरे नंबर भी यहाँ पर आपको फ्लैश हो रहे होंगे, अगर आप इनकेस अगर यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही हो या नहीं बात हो पा रही है, तो आप मुझे भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और या व्हाट्सअप करके भी आप ऑर्डर करवा सकते हैं, ठीक है। यादों की झील, तो इसके साथ ही देखिए, जो सितार वाले बच्चे हैं, जैसे तो सितार वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी सितार सुमन एक बुक आई है, बहुत ही बढ़िया, 550 रुपये की बुक है, हार्ड कॉपी में है, अब पेपर पैक में अवेलेबल हो तो आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके बात कर लीजिएगा, या फिर मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं भी आपको मालूम करके बता सकता हूँ। तो ये वाली बुक भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है, जो सितार वाले बच्चे हैं उनके लिए अच्छी बुक है ये।
ठीक है। और किसी प्रकार का आप जो है एक तबला सिद्धांत, ये बहुत अच्छी बुक है, मात्र 245 रुपये में। अब 245 रुपये में आपको एक बहुत ही अच्छी बुक देखने को मिल रही है, तो ये वाली बुक भी आप ले सकते हैं। मैंने बताया कि आपको जहाँ भी अगर बुक्स ऑर्डर करने में या किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या फिर जो है मैंने ऊपर आपको स्क्रीन पे नंबर दे दिए, यही नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में यानी नीचे जो वीडियो है, नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इनको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। संगीत प्रवेशिका, जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं यानी संगीत के क्षेत्र में आए हैं या संगीत की शिक्षा ले रहे हैं, वो बच्चे ये ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको बंदिशें वगैरह मिलेंगी, 100 रुपये का है पेपर पैक में। फिर जो बच्चे की सर हमें संगीत जो है ऑथेंटिक बुक चाहिए कोई, तो क्रमिक पुस्तक मालिका संगीत पद्धति पर, क्रमिक पुस्तक मालिका भाग एक विष्णुनारायण भातखंडे जी की पेपर पैक में, ये जो है 100 रुपये की है। एक एक चाहिए तो एक एक में मिल जाएंगे, और सबका एक साथ संग्रह चाहिए तो वो मिल जाएगा। गायन सिद्धांत, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी आप ले सकते हैं। स्वर और वादन सिद्धांत, स्वर वादन सिद्धांत जो है भीमसेन सरल जी की, ये भी अच्छी बुक है। तो आपको जो चाहिए, देखिए सितार की बंदी से, जो सितार वाले बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत आती है कि सर सितार से संबंधित हमें बुक्स नहीं मिलती, तो ये सितार की बंदी संग्रह है, ये वाली बुक भी आपकी 295 रुपये की है, ये भी आप ले सकते हैं। रामरंग संगीत रामायण, ये जो है रामाश्रय झा जी की है, तो देखना चाहें तो ये भी आप देख सकते हैं। बाकी एक बुक ये अच्छी है, सरल संगीत भाग एक, और ये तेज सिंह टांग जी की। मैंने बोला कि तेज सिंह जी की जितनी बुक्स हैं बहुत ही बढ़िया बुक्स हैं, संगीत सरल, सरल संगीत ये भी है 395, ये है 350 की, और संगीत सरल संगीत शिक्षा भाग तीन भाग चार, ये आपकी मर्जी है, आपको जो बुक्स भी चाहिए जैसी भी चाहिए। कानड़ा और मल्हार, आपको अच्छी डिटेल चाहिए कानड़ा और मल्हार के बारे में, तो ये आप देख सकते हैं। संगीत वीथी का बहुत अच्छी बुक है, संगीत वीथी का अच्छी बुक है, कुमार अम्बरीश चंचल जी की है। और जो बच्चे थोड़ा इंग्लिश वाले हैं कि सर हमें तो इंग्लिश में ज़्यादा वो है, तो द म्यूजिक मास्टर प्रोब्रेट ऑफ द रुद्रवीणा, रुद्रवीणा की जो है उस्ताद जय मोहिन मोहिनीदून डागर जो हैं उनके द्वारा है ये, तो ये भी वाली बुक्स आप इंग्लिश वाले देख सकते हैं, इंग्लिश वालों के लिए जर्नी इनटू द साउंड। और मृदंग दीपिका, मैंने बताया अवनद वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी बुक्स मैं यहाँ पर लेके आया हूँ 495 रुपये में, ये भी अच्छी बुक है। वैश्विक नृत्य व नाट्य, ये भी आप देख सकते हैं। तो जो बच्चे रस संगीत नेहर रंग, ये भी आप देख सकते हैं, जो बच्चे म्यूजिक यानी ड्रामा से और डांस से हैं, डांस वाले जो बच्चे हैं वो कहते हैं सर नृत्य से संबंधित बुक बताइए, तो ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी आप मिल जाएगी, आप एक बार बात कर लेना उनसे, ठीक है। और सरस संगीत, ये भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही संगीतिका निशा कुमारी जी की, निम्बार्क संप्रदाय के लिए अनहंत झनंकार ताल मस्तकिन, ताल मस्तकिन जो है ये भी बुक है, तालों से संबंधित है, आप देख सकते हैं। और जिनको लोक गीतों से संबंधित चाहिए तो भोजपुर क्षेत्र में प्रचलित गीत विधारे अभिनव राग तरंगणी, ये अच्छी बुक है। और सबसे टॉप की बुक जो मैं बताऊं आपको, अगर थ्योरी शास्त्र पे काम करना है तो ये वाली संगीत मणि बहुत ही शानदार बुक है। ये मान लो कि सारी चीज़ें इनमें हलवा बना कर रख दी है, इतनी अच्छी बुक है ये वाली संगीत मणि एक भाग एक और दो, दोनों बुक अच्छी बुक है, तो ये बुक भी आप ले सकते हैं, ये भी आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगा। ये बुक तो आप मंगवा ही लो, जो भी बच्चे हैं मैं कह रहा हूँ, संगीत मणि भाग एक और दो दोनों ही बहुत अच्छी बुक है। मेरे सजेशन पे इन बुक्स के लिए मैं स्पेशल रिकमेंड करूंगा, एक तो तेज सिंह टांग जी की बुक जितनी भी है, इनकी तेज सिंह टांग जो है इनकी जितनी बुक है वो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, वो तो आप मंगवा लो, और एक ये संगीत मणि भाग एक और दो, दोनों बुक अच्छी बुक है पढ़ने। देखो एमसीक्यूज की बात मत करना मेरे से कि एमसीक्यूज वाली बुक बताओ, नहीं है, ये सारी थ्योरी वाली बुक है, और एमसीक्यूज की बजाय थ्योरी पढ़ोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। धर्मकला, ये आपकी मर्जी है, आप इनमें से कोई लेना चाहो तो। उत्तर भारतीय तंत्रीवाद्य एवं वादन शैली का विकास, ये जो तंत्रीवाद्य वाले बच्चे हैं
तंत्री वाद्य वाले बच्चे हैं, जैसे सितार है, गिटार है, वायलिन है, उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बुक है ये वाली बुक, मैं उनके लिए सजेस्ट करूँगा, ये आप देख सकते हैं। और वायलिन वाले बच्चों के लिए ये रहा ध्रुपद और उसका विकास, जो अच्छा ध्रुपद स्वरलिपि पद्धतियाँ ये रही, और ध्रुपद और उसका विकास ये भी अच्छी बुक है, ये आप देख सकते हैं। ये आगे तो और अलग बुक आ गई। उसके साथ ही अगर आपको किसी को कि मेरे मैंने बना रखा है सर और मैं बुक पब्लिश करवाना चाहता हूँ, तो वो भी आप ल्यूमिस जो है ल्यूमियस बुक्स जो इंडिया है, यहाँ से आप अपनी बुक्स भी पब्लिश करवा सकते हैं, बुक भी प्रिंट करवा सकते हैं, पब्लिक करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको अगर किसी प्रकार की कोई क्योरी हो, आपको लगे कि सर हमें उसके साथ ही, मैं देखो दो बुक और बताऊंगा आपको, ये बुक भी आप, ये वाली बुक, इनके मैं अलग से आपको जो है वीडियो अलग से और लेके आऊँगा। वैदिक साहित्य, वैदिक संगीत का गुप्त रहस्य, ये बहुत अच्छी बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है, ये बुक भी आप मंगवा सकते हैं। बहुत मतलब इसमें देखो वेद से संबंधित, शास्त्रीय संगीत और क्लासिकल म्यूजिक में क्या अंतर है, शास्त्र की संज्ञा क्या है, शास्त्रीय संगीत किसे कहते हैं, संगीत के कितने प्रकार हैं, लोक संगीत, वैदिक संगीत, वेद में उपलब्ध संगीत विषय शब्द, गंधर्व या शास्त्रीय संगीत, संगीत के अनुसार, ये वाली बुक आप, मैं कहूँगा ये जो बहुत महंगी भी नहीं है और बहुत ही गजब की बुक है, वेद का मुख्य अर्थ और परिभाषा। जिनका बजट कम कम है वो आप जरूरी नहीं कि एक साथ मंगवाएं, एक एक बुक्स मंगवा लो। वैदिक संगीत का अवलोपी स्वर मध्यम कैसे था, इसके बारे में इसमें पूरे डिटेल बता रखी है। इसके जल्दी ही जो है मैं आप लोगों को पूरी रिव्यू दूंगा, मेरे पास बुक आ गई है, मैंने मंगवा ली है, ऑर्डर कर दिया है। इसका क्या प्रमाण है भारतीय संगीत में वेद क्या है, वेद आया, इसका क्या प्रमाण है भारतीय संगीत में वेद आया, कैसे आया, क्यों आया, इसके बारे में जो है आपको पूरी डिटेल मिलेगी, ठीक है ना। तो ये वाली बुक बहुत महंगी भी नहीं है और बहुत ही अच्छी बुक है। इसके साथ ही एक बुक और है, जो बच्चे अभी किस में लगे, बीपीएससी में या कहीं पे लगे, उनका मेरे पास फोन आता है सर हम किस पढ़ाएं, कैसे कैसे पढ़ाएं 9th 10th या 11th के, तो देखिए 12th के लिए बहुत ही अच्छी बुक आई है, सीबीएसई की बुक, संगीत के लिए है, सीनियर सेकेंडरी के लिए, तबला एवं पखावज का सिद्धांत, ठीक है ना। तो ये भी नवीन बुक है, इसके अंदर देखिए उठान, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बुक है ये। देखिए आपको स्वर श्रुति ग्राम मूर्छना इनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएंगी, लेकिन उठान कैसे होता है, पेशकार क्या है, चक्करदार क्या है, रेला क्या है, गत क्या है, फर्द क्या है, बाट कायदा, इनकी परिभाषाओं सहित आपको ये बुक अच्छी लगेगी। इसके साथ ही इनमें तुलनात्मक अध्ययन, चौताल और एकताल में क्या क्या समानताएँ, क्या क्या असमानताएँ हैं, किस शैली का किसका प्रयोग कौन सी शैली के साथ किया जाता है, इन सब की डिटेल आपको देखिए तुलनात्मक अध्ययन में मिलेगी। जो है तुलना झपताल की सुलताल, इन दोनों का कैसा है, तीन ताल, इन सब के बारे में, और इन सब का मैं प्रॉपर एक वीडियो अलग से लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी बुक अच्छी है, ये दो बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो वीडियो दोस्तों ये था आज का एक मोटिव आपको लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी प्रकार के डाउट के लिए आप मुझे इन नंबर पर, यानी यहाँ पर भी लिख देता हूँ 9694693493, इन दोनों नंबर, इन नंबर पे, या फिर एक नंबर मेरा है, हाँ इन्हीं पे कर लीजिएगा 9694693493, इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं कभी भी, जब आप चाहें आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं किसी भी बुक के बारे में, या फिर मैंने बताया सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप इनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके और वहाँ से आप इनके जो है व्हाट्सएप पे या कॉल पे, आप इनको कॉल या व्हाट्सएप करेंगे तो आपसे ये बात करेंगे। और फिर भी अगर आपको इनके किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मेरे से भी ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। बाकी इनको ल्यूमिनियस वाले जो है सर हैं बहुत ही हेल्पफुल हैं, इनको आप कॉल करिएगा, ये आपकी पूरी मदद करेंगे। बस मेरा नाम बता देना कि लकी सर से हमारी बात हुई थी, या लकी सर का हमने लकी पायल म्यूजिक अकेडमी चैनल से जो है आपका वीडियो देखा और वहाँ से हमें ये बुक देखी। स्क्रीनशॉट आप ले लेना जिस बुक को मंगवाना, जैसे ये बुक लेनी है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उनको भेज दीजिएगा कि ये बुक हमें चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, बाय बाय।